मौलाना फदुर रहमान को डीजल चोर मशहूर कर दिया। अगर डीजल चोरी उन्होंने किया है तो आप अदालत में केस क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? एक आदमी भी केस करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि झूठ बोलते हो डीजल। मैं ये भी बता दूं, मैं नहीं कह रहा कि मौलाना फजल रहमान को वोट दें, ना मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उनको वोट दिया है। मैंने किसको दिया, किसको दूंगा या किसको देना चाहिए तो मैं बताऊंगा ही नहीं। लेकिन डीजल चोरी का इल्जाम लगाने से पहले यह सोच लो कि कल क्यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब, बोलो भाई, देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये नहीं कि इन समा वल बसारा वल फुआदा कुल्लू उलाई का कान अनहू मसूला। अल्लाह कहते हैं तुम जो कुछ बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, कल क्यामत के दिन तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो एक लफ्ज जबान पे चढ़ा हुआ है, डीजल मुल्ला, डीजल मुल्ला, डीजल, ऐसे बोलते रहते। आप उनसे इख्तलाफ करें, हमें भी इख्तलाफ आते हैं, हर सियासी तंजीम से हमें इख्तलाफ भी है कुछ चीजों में। हम लोगों में चूंकि शूर ही नहीं है, आप मुखालफत करें लेकिन उसकी कोई बेस मजबूत होनी चाहिए। आप जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत करें, मौलाना फजल रहमान की 100 दफा मुखालफत करें, मजबूत बेस होनी चाहिए उसकी। आप अगर पीटीआई की मुखालफत करते हैं, बेस उसकी खाम खम एक हवाई नारा ना लगा दें कि फलाने का एजेंट, फलाने का एजेंट, कोई सबूत नहीं है। लोग कहते हैं फला के फला से हमने खुद देखा है, उसके बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई किसी का एजेंट नहीं बन जाता। नबी के भी यहूदियों से आपने एग्रीमेंट किए हैं, मुआहदे किए हैं। मुसलमानों का भी अभी चाइना से ताल्लुकात है मुसलमानों के, तो क्या मुसलमान एथियस बन गए? चाइना वाले तो एथियस होते हैं। ताल्लुकात किसी भी बेस पे किसी से होते हैं। तो इसलिए जितनी बात है उतनी रखनी चाहिए। सियासी तबसरे लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत खतरनाक इल्जामात लगाते हैं। और दूसरी बात, किसी की जातियात पे ना जाएं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।